चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 5 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है द समिट विद इन। पता है समिट किसे कहते हैं? समिट का मतलब होता है कोई पहाड़ की टोच पर पहुंच जाना, कोई माउंटेन के पीक पर पहुंचना, तो उसे समिट कहते हैं। यहाँ पर जो स्टोरी दी गई है ना, वो एक रियल एक्सपीरियंस है मेजर HPS आलूवालिया का, या मेजर आलूवालिया का हो, जो 1965 में जो भी टीम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उन टीम के ये एक मेंबर थे। माउंट एवरेस्ट आपको पता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे जो है वो हाईएस्ट पीक जिसकी है वो ये माउंट एवरेस्ट। वहाँ पर इंडिया की एक टीम वहाँ पर पहुँची थी और उस टीम के एक ये मेंबर थे मेजर आलूवालिया। और ये मेजर आलूवालिया जब इन्होंने समिट किया था ना, समिट मतलब कि जब वो उस पहाड़ पर पहुँच चुके थे सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट पे, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ की टोच पर जब वो पहुंच चुके थे, तब उन्हें कैसे फील हो रहा था वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताते हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो वहाँ समिट पर पहुँचे ना, जब वो सबसे ऊपर पहुँचे ना, तब वो बहुत ही काइंड फील कर रहे थे। फिजिकली वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे, लेकिन कुछ हद तक थोड़े थोड़े उदास भी थे। दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पर चढ़ के वो थोड़े से उदास थे। उदास किस वजह से? तो वो इसलिए उनके मन में उदासी थी कि अब इससे आगे जाने के लिए और कोई पहाड़ नहीं है, ये दुनिया का सबसे ऊपर ऊंचा पहाड़ हो गया, अब इससे आगे और कोई पहाड़ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वो उदास भी थे। लेकिन खुशी उनकी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा खुश थे, और इतने ज़्यादा खुश थे कि ज़िंदगी भर उनको ये एक्सपीरियंस याद रहा, लाइफ टाइम याद रहा। किसको याद नहीं रहेगा? हर किसी को याद रहेगा ना। उन्होंने सबसे पहले भगवान को, गॉड को जो है वो थैंक यू कहा कि वो यहाँ तक पहुँचने के लिए सफल हुए हैं। तो वो माउंटेन के समिट पर तो पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ जाकर उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने एक और समिट भी किया है। एक और समिट मतलब एक और जगह पर भी ये ऊपर पहुँच चुके हैं, तो वो है समिट ऑफ माइंड, जो कहते हैं ना द समिट विद इन, कि उन्होंने खुद को भी जीता है। वो पहाड़ पर तो चढ़ ही चुके हैं, लेकिन खुद के मन में भी वो चढ़े हैं, खुद को भी उन्होंने जीता है। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन को कोई भी अगर पीक हासिल करना हो या कोई भी समिट करना हो ना, कोई भी चीज़ उनको हासिल करनी हो ना, तो उनके मन में हमेशा तीन चीज़ें होनी चाहिए। तीन क्वालिटीज़ उनके मन में होनी ही चाहिए हर इंसान में। वो तीन क्वालिटी हैं एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। कौन कौन सी? एंड्योरेंस मतलब कि सहन शक्ति, भले कितनी भी मुसीबतें आए हमें सहन करना है। परसिस्टेंस का मतलब होता है एक तरह की दृढ़ता, कि भाई कुछ भी हो जाए ना, हार नहीं माननी है, चलते ही रहना है। और विल पावर मतलब कि इच्छा शक्ति, कि नहीं मुझे ये करके दिखाना है, कितनी भी मुसीबतें आए, कुछ भी हो जाए, मुझे ये करके दिखाना है। तो ये तीन क्वालिटीज़ हर किसी में ज़रूर होनी चाहिए, तो तभी वो इंसान टोच पर पहुंचता है। सिर्फ पहाड़ पर ही नहीं, अपनी लाइफ में भी। आपको भी अगर अपनी लाइफ में सबसे ऊपर अगर पहुंचना है ना, तो ये तीन क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। इन तीनों क्वालिटी के अकॉर्डिंग इंसान कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है। अब ये मेजर आलूवालिया अपना एक दूसरा एक्सपीरियंस भी बताते हैं। भाई वो यहाँ सबसे ऊपर पहुँचे ना, तब उनके मन में एक सवाल आता है कि उन्होंने एवरेस्ट ही क्यों चुना, कि भाई इतने सारे पहाड़ हैं, उन्होंने एवरेस्ट पहाड़ पर ही क्यों चढ़ाई की। तो वो कहते हैं कि इनका पहला कारण तो यही है कि उन्हें हमेशा पहाड़ पसंद हैं, हर तरह के पहाड़ उनको पसंद हैं, और उनमें से एवरेस्ट, तो एवरेस्ट सबसे ऊँचा और सबसे शक्तिशाली पहाड़ है। यहाँ पर बर्फ, पत्थर, हर चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए जैसे बर्फ से लड़ना पड़ता है, पत्थरों से लड़ना पड़ता है, और यहाँ पर एवरेस्ट पर पहुँचने के बाद, ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, यहाँ पहुँचने के बाद जो खुशी मिलती है ना, ये खुशी बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। सही बात है कि दुनिया में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले बहुत ही कम लोग हैं, बरोबर ना। वो क्या कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर पहुँचने पर, इस समिट करने पर, एवरेस्ट की टोच पर पहुँचने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो एक नई दुनिया में पहुँच गए हैं, एक नया ही एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है। सही बात है, एवरेस्ट की चढ़ाई करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत मुसीबतें आती हैं,
और यही चीज़ मेजर आलू वालिया को पसंद थी, कहते ना मुसीबत को सहन करना, मुसीबतों से लड़ना, ये उन्हें पसंद था। और इसी वजह से तो उन्होंने एवरेस्ट चुना कि भाई भले ही कितनी भी मुसीबतें हैं वो यहाँ पर ज़रूर जलेंगे। उन्हें मुसीबतों को स्वीकार करने में, मुसीबतों को एक्सेप्ट करने में एक तरह का मज़ा आता था। अब वहाँ पर जाना, वहाँ पर जाने में सिर्फ समझो कि भाई जीत ही नहीं मिलती, पहाड़ के ऊपर पहुँच गए तो सिर्फ जीत हासिल हो गई ऐसा ही नहीं, एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि नहीं हमने कुछ जो है वो करके दिखाया। एक अलग ही फीलिंग है जो फीलिंग और कोई चीज़ में नहीं आती। जो फीलिंग उस पहाड़ पे चढ़ के एवरेस्ट पे पहुँच कर जो फील होता है ना, वो फील और कहीं पर भी नहीं आता। सही बात है ना, इसके जैसी फीलिंग और कहाँ पर। और ये कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना तो वो खाली फिजिकली नहीं, एक तरह का मेंटल समिट भी है ना, माइंड का समिट भी तो है ना, क्योंकि फिजिकली तो आपको फिट होना ही पड़ता है। ध्यान देना, एवरेस्ट पर चढ़ाई करना हो या कोई भी पहाड़ पे चढ़ना हो तो फिजिकली तो फिट होना ही चाहिए, शरीर तो मजबूत होना ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ, इस शरीर के साथ साथ हमें जो है हमारा माइंड भी उतना ही मजबूत करना है। क्योंकि रास्ते में चढ़ते चढ़ते, उस पहाड़ चढ़ते चढ़ते जो जो मुसीबतें आती है ना, तो अगर हमारा माइंड थक जाए ना कि नहीं यार इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियाँ, हम लोग अभी भी कैसे कंप्लेन करते रहते हैं कि यार इतनी मुसीबतें हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, यार ऐसा मुझसे नहीं होगा, ऐसा मुझसे नहीं होगा, अगर ऐसा करते रहे ना तो फिर हो गया, तो फिर कभी भी कोई भी चीज़ आपको हासिल नहीं हो पाएगी। और ये पहाड़ चढ़ने की बात तो समझो भूल ही जाओ, कि अगर आपका माइंड मजबूत नहीं हुआ ना, शरीर तो मजबूत होना ही चाहिए लेकिन उसके साथ साथ अगर माइंड भी मजबूत नहीं हुआ ना, तो फिर आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। उस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते जो जो मुसीबतें आती हैं, और अगर उसमें इंसान थक जाए, परेशान हो जाए कि नहीं अब इतनी कौन सहन करे, मुझे नहीं जाना है अब आगे, तो वो इंसान वहीं पर ही अटक जाएगा, वो नहीं पहुँच पाएगा, नहीं कभी भी एवरेस्ट पर वो नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए तो वो कहते हैं ना कि एवरेस्ट की चढ़ाई करना सिर्फ फिजिकली नहीं लेकिन एक तरह का मेंटल समिट भी है, ठीक है ना, द समिट विद इन, इसलिए तो ये नाम दिया हुआ है ना। और साथ में कहते हैं कि ये एवरेस्ट की चढ़ाई वो उन्हें फ्रेंडशिप भी सिखाती है। हाँ, फ्रेंडशिप भी सिखाते हैं। वो एक एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि जब भी ये पहाड़ की चढ़ाई करते हैं ना, तो दो लोग एक साथ एक ही रस्सी से बंधे हुए होते हैं, दो लोग एक रस्सी से बंधे हुए होते हैं। एक जो क्लाइंबर होता है ना, पहाड़ चढ़ने वाला क्लाइंबर, एक जो क्लाइंबर होता है ना, वो रस्सी को कस के पकड़ कर रखता है, जबकि दूसरा क्लाइंबर वो उससे थोड़ा आगे होता है और आगे जो बर्फ़ होती है ना, उस बर्फ़ में पैर के साथ खुद को अटकाता है और उस रस्सी को भी अटका देता है, उस रस्सी को एक जगह पर बांध देता है। और फिर जो दूसरा क्लाइंबर जो नीचे होता है ना, वो उस बंधी हुई रस्सी पे धीरे 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 करके ऊपर चढ़ता है। हमेशा दो लोग एक दूसरे को ऊपर चढ़ाते रहते हैं, एक ऊपर होता है जो थोड़ा ऊपर जाके उस रस्सी को कोई जगह से बांध देगा, और फिर दूसरा इंसान उस बांधी हुई रस्सी को पकड़ के धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। तो दो लोग साथ में चलेंगे तभी उस पहाड़ पर पहुँच जाएंगे। कहते हैं ये मिस्टर आलूवालिया, वो कहते हैं कि अकेला इंसान ये माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए तो ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता, अकेला इंसान तो कुछ भी कर लो वो नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि ठीक है कि फिज़िकली तो ठीक है, वो कितना भी मजबूत हो, रास्ते की मुसीबतें भी वो सब सहन कर लेगा, लेकिन जो इमोशनल प्रॉब्लम्स आएगी ना, कि रास्ते में थक गए, परेशान हो गए, तंग हो गए कि अब क्या करें, ये जो इमोशनल प्रॉब्लम आती है ना, उस वक्त किसी न किसी का साथ वहाँ पे ज़रूरी है। कोई दोस्त साथ में हो ना तो ही वो आगे चल जाता है, क्योंकि एक दोस्त अगर रुक गया ना तो दूसरा उसे मोटिवेट करता है कि चलो चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, ऐसे मोटिवेट करता है, तभी तो वो दोनों एक साथ आगे बढ़ पाते हैं ना। एक अकेला इंसान अगर थक गया तो उसे उठाने वाला कौन, दो लोग साथ में होते हैं तभी तो वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं ना, कोई एक बैठेगा तो दूसरा उसे उठाएगा कि चलो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना तो वो एक तरह की फ्रेंडशिप भी हमें सिखाता है। और आखिरी में अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस वो बताते हैं, अपना दूसरा एक एक्सपीरियंस कहते हैं कि जब वो एवरेस्ट से आप नीचे उतरने वाले थे, सबसे ऊपर तो वो पहुँचे, सबसे ऊपर पहुँचे, तो जब वो नीचे उतरने वाले थे ना, तब
ये उनको एक अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा था। उनको जब ऊपर से वो नीचे देख रहे थे ना, पहाड़ से जब वो नीचे देख रहे थे, तो उनको लग रहा था कि हाँ सच में वो जिस जगह पर पहुंचे हैं ना, सबसे ऊपर, वो दुनिया की सबसे लायक जगह है, कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। इससे कहते हैं कि भाई उनका माइंड, उनका सोल, सब कुछ जो है वो, जैसे कहते हैं ना, पवित्र हो गया था, सेकर्ड बन गया था। इतने ऊपर पहुँच कर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके मन, उनकी आत्मा, सब कुछ पवित्र हो चुका है। उन्होंने वहाँ पर सबसे ऊपर पहुँच कर, अपनी टीम के साथ सबसे ऊपर पहुँच कर, उन्होंने गॉड के सामने अपना सिर झुकाया, भगवान के सामने अपना सिर झुकाया। इनके जो मेंबर्स थे ना, इनके साथ जो भी लोग थे, उसमें जो आलू वालिया थे, वो एवरेस्ट के सबसे ऊपर पहुँच कर उन्होंने वहाँ पर गुरु नानक का एक चित्र रखा, एक छोटा सा फोटो रखा वहाँ पर गुरु नानक का। इनके साथ दूसरे एक पर्सन थे रावत, जिनका नाम था रावत, उन्होंने दुर्गा देवी का एक फोटो रखा वहाँ पे। दूसरे इनके साथी थे फू दोरजी, उन्होंने भगवान बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति वहाँ पे रखी। इनके साथ दूसरे थे, वो थे एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी ने वहाँ पर एक क्रॉस रखा, ठीक है ना, एक क्रॉस रखा उन्होंने। मतलब देखो कि वहाँ पर वो हर तरह के, वो क्रिश्चियन भी, सिख भी, हिंदू भी, बुद्धिज्म भी, हर तरह के लोग वो इनकी टीम में थे जो वहाँ पहुँचे। तो इसलिए वहाँ पे एवरेस्ट की टोच पर ये नज़ारा देखकर, हर रिलीजन के वहाँ पर ये मूर्तियाँ देखकर, फोटोज़ देखकर, उन्हें लग रहा था कि ये जीत नहीं, ये सच में सबके मन का विश्वास था कि जो वो इतनी ऊपर उन्हें लेकर आया, ये विश्वास की वजह से ही वो सबसे ऊपर पहुँचे हैं। इसीलिए यहाँ की चढ़ाई करने से उनका पूरा मन बदल गया, एक नया ही एक्सपीरियंस उन्हें मिल चुका था। और वो अब आखिरी में कहते हैं ना, द समिट विद इन, वो आखिरी में इसे क्लियर करते हैं कि हर एक इंसान के अंदर भी एक ऐसा पहाड़ होता है। ये बाहर का पहाड़ तो ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, लेकिन हर एक इंसान के अंदर भी एक तरह का ऐसा माउंटेन होता है, जो माउंटेन होता है उनके डर का, उनके चिंता का, उनकी परेशानियों का। लेकिन इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना मुश्किल है ना, वैसे इन पहाड़ों पर भी हमारे अंदर भी हर तरह के डर भरे हुए हैं, चिंताएं भरी हुई हैं, परेशानियां भरी हुई हैं ना। और लेकिन इनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए बहुत मुसीबतें सहन करनी पड़ती हैं। लेकिन जो इंसान इन चीज़ों पर भी, इन पहाड़ पर भी चढ़ गया ना, द समिट विद इन, अपने अंदर उन्होंने समिट कर लिया ना, तो उसके लिए फिर कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और ये समिट शायद एवरेस्ट से भी बड़ा समिट कहलाएगा। अगर आपने अपने मन पे जो है वो समिट कर लिया ना, अपने मन की चिंताएं, डर, जो भी परेशानियां हैं, इनके ऊपर अगर आपने समिट कर लिया ना, इनके ऊपर अगर आप लोग चढ़ गए ना, तो फिर वो एवरेस्ट से भी बड़ी चढ़ाई हो गई आप लोगों के लिए। और जैसे एवरेस्ट आपकी दुनिया बदल देता है ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करो, तो उसी तरह से अगर आप लोग अपने मन के ऊपर भी चढ़ाई कर लो ना, तो भी आपकी पूरी दुनिया, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चेंज है कि एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त आपको आपके दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, साथियों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर खुद के मन पे चढ़ाई करनी हो ना, द समिट विद इन करना हो ना, अगर अपने अंदर ही समिट करना हो, तो शायद आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चढ़ाई आपको अकेले ही करनी है, और कोई नहीं। और एक बार आपने चढ़ाई कर ली, फिर कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, बराबर ना। तो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, इसमें हम वैसे ही इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।